ये है मोंटी जो इंटरनेट की मदद से अजनबी लड़की से चैटिंग कर रहा है। अरे वाह, काफी दिनों के बाद अजनबी लड़की आज मुझसे मिलने वाली है। मैं यह मौका छोड़ने वाला नहीं हूँ। मोंटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी मेरे पास आओ। मोंटी स्ट्रेंजर गर्ल से मिलने के लिए अपने घर से निकल जाता है, पर उसे पता नहीं कि वह अपनी मौत के पास जा रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा नकुल, इस बार की गर्मी बहुत ही तेज है, मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। हाँ मनीष, चलो बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए मनीष और नकुल बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। दोनों कुछ दूर आगे बढ़ा ही था तभी मौसम में बदलाव होता है और वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। मनीष, अचानक बारिश शुरू हो गई है, चलो घर चलते हैं, नहीं तो हम भीग जाएंगे। दोनों घर जाने के लिए वहाँ से निकला ही था तभी मनीष को आगे मोंटी दिखाई पड़ता है जो दूसरी तरफ देख रहा होता है। अरे नकुल रुको जरा, वहाँ देखो, वो तो अपना दोस्त मोंटी है ना? हाँ मनीष, वो तो अपना मोंटी जैसा दिख रहा है, पर वो यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं नकुल, चलो जाकर पूछते हैं। मनीष और नकुल दोनों मोंटी के पास जाता है और उसे पुकारता है। दोनों के पुकारने पर मोंटी उसकी तरफ घूमता है। मोंटी, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये दोनों यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ मोंटी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे कुछ नहीं मनीष, मैं तो ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, पर बारिश होने के चलते मैं यहाँ फंस गया। अच्छा कोई नहीं, चलो मेरे घर यही बगल में ही है, बारिश रुकने के बाद निकल जाना। नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं अब यहाँ से निकलने ही वाला हूँ। मनीष और नकुल के काफी बोलने पर भी मोंटी उसके साथ नहीं जाता है। चलो ठीक है, हम दोनों जाते हैं, अपना ख्याल रखना। मनीष और नकुल दोनों वापस अपना घर की तरफ निकल जाता है। चलो अच्छा हुआ वो दोनों वापस यहाँ से चला गया, अब मैं स्ट्रेंजर गर्ल को फोन करता हूँ। मोंटी स्ट्रेंजर गर्ल को फोन करता है और उसे बताता है कि बारिश के रुकते ही वह वहाँ आ रहा है। स्ट्रेंजर गर्ल से बात करने के कुछ देर बाद ही बारिश रुक जाती है, जिसके बाद मोंटी वहाँ से निकल जाता है। मोंटी कुछ ही देर में उस जगह पहुँच जाता है जहाँ स्ट्रेंजर गर्ल उसे बुलाई थी। यहाँ तो कोई नहीं है, पर स्ट्रेंजर गर्ल तो मुझे यहीं बुलाई थी। स्ट्रेंजर गर्ल के ना दिखने पर मोंटी थोड़ा और आगे जाकर उसे खोजने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है। यहाँ तो कोई नहीं है, पर स्ट्रेंजर गर्ल तो मुझे यहीं बुलाई थी। स्ट्रेंजर गर्ल के ना दिखने पर मोंटी थोड़ा और आगे जाकर उसे खोजने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है। अरे वाह, लगता है स्ट्रेंजर गर्ल वहीं खड़ी है। मोंटी स्ट्रेंजर गर्ल को देखते ही काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वह धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। मोंटी स्ट्रेंजर गर्ल के नजदीक पहुंचता, पर उससे पहले वह देखता है कि स्ट्रेंजर गर्ल जंगल के अंदर जा रही है। स्ट्रेंजर गर्ल रुको, मैं यहाँ हूँ, स्ट्रेंजर गर्ल रुको। मोंटी स्ट्रेंजर गर्ल को आवाज लगाते हुए उसका पीछा करने लगता है और जंगल के अंदर घुस जाता है। मोंटी जंगल के अंदर घुस गया था, पर अब उसे वह स्ट्रेंजर गर्ल कहीं दिख नहीं रही थी। स्ट्रेंजर गर्ल अचानक कहाँ गायब हो गई? लगता है वह जंगल के और अंदर घुस गई है, मुझे जल्दी से उसके पास जाना चाहिए। मोंटी जंगल के काफी अंदर घुस जाता है, जिसके बाद उसे डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है, मानो कोई उस पर हंस रहा है। ये अचानक इतने डरावनी तरीके से कौन हंस रहा है? डरावनी हंसने की आवाज़ सुनकर मोंटी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वह जंगल से बाहर जाने का फैसला करता है। मोंटी जंगल से बाहर जा रहा होता है, पर तभी उसे अपने सामने वही स्ट्रेंजर गर्ल दिखाई पड़ती है। अरे ये तो स्ट्रेंजर गर्ल है। स्ट्रेंजर गर्ल को देखकर मोंटी खुश हो जाता है और उसे आवाज लगाता है। मोंटी के आवाज लगाने पर स्ट्रेंजर गर्ल अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाती है और अपना असली रूप दिखाती है। ये तो कोई भूत है, भाग मोंटी भाग, नहीं तो मारा जाएगा।
मोंटी अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं चुड़ैल के जाल में फंस गया हूँ। मोंटी काफी डरा हुआ था, पर फिर भी वह छिप कर आगे देखता है जहाँ उसे वो लड़की दिखाई नहीं पड़ती है। रास्ता साफ है, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मोंटी को आगे का रास्ता साफ दिख रहा था, पर उसे पता नहीं वो स्ट्रेंजर गर्ल उसके पीछे है। स्ट्रेंजर गर्ल के हंसने की आवाज़ सुनकर मोंटी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर स्ट्रेंजर गर्ल तेजी से उसके पास आ जाती है और अपने हाथ से उसे नीचे गिरा देती है। स्ट्रेंजर गर्ल का हमला से मोंटी को काफी जोर का चोट लगता है, जिसके बाद वह उठ नहीं पाता है। स्ट्रेंजर गर्ल, मुझे मत मारो, स्ट्रेंजर गर्ल मुझे मत मारो। मोंटी के काफी बोलने पर भी स्ट्रेंजर गर्ल उसकी बात नहीं मानती है, जिसके बाद वह धीरे धीरे मोंटी के पास आती है और उसे मार डालती है। मनीष, लगता है कोई अपने घर आया है, जाओ जाकर देखो तो वो कौन है। नकुल के बोलने पर मनीष अपने घर का दरवाजा खोलता है और बाहर देखता है, जहां उसे पुलिस वाला दिखाई पड़ता है। तुम मनीष हो क्या? हाँ, पर क्या हुआ? हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, तुम्हारे दोस्त मोंटी के बारे में। मोंटी के बारे में? आइए अंदर जाकर बात करते हैं। मनीष पुलिस को अंदर ले आता है और उनसे बातें करने लगता है। क्या मोंटी मारा गया? पर कैसे और किसने उसे मारा? वही तो जानने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। आखिर तुम दोनों ने उसे क्यों मारा? ये क्या बोल रहे हैं आप, हमने मोंटी का खून नहीं किया है। यदि ऐसा है तो कल रात तुम दोनों मोंटी से क्या बातें कर रहे थे? पुलिस के पूछने पर मनीष कल रात की सभी बातें उन्हें बता देता है। यदि तुम दोनों ने उसे नहीं मारा है तो फिर किसने उसकी हत्या की होगी? सर, आज 5 दिन हो गया है और हमारे शहर से कोई न कोई हर दिन मारा ही जा रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कातिल का पता ही नहीं चल रहा है। वो तो सही बात है सर, पर हमें जल्द से जल्द कातिल को पकड़ना होगा, नहीं तो शहर के लोग डर के मारे यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ ठीक तुम वैसा करो। इंस्पेक्टर अपने हवलदार को आदेश देता है कि वह शहर का हर चौक में अपना आदमी खड़ा कर दे, ताकि कातिल अब और किसी की जान ना ले सके। पुलिस के बोलते ही हवलदार सभी चौक चौराहे पर अपना पुलिस वैन खड़ा कर देता है। मिश्रा जी, तुम कंप्यूटर में क्या फालतू का काम कर रहे हो? गुप्ता जी, मैं कोई फालतू का काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो एक सुंदर लड़की से बातें कर रहा हूँ। सुंदर लड़की से बात कर रहा है? कौन है वो लड़की मिश्रा जी, नाम क्या है उसका? गुप्ता जी, उसका रियल नाम तो मुझे पता नहीं चला है, पर मैं उसे स्ट्रेंजर गर्ल बोलता हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात करते करते टाइम पास कर रहे होते हैं, तभी गुप्ता जी को बहुत तेज भूख लगती है। मिश्रा जी, चलो मार्केट कुछ खरीद कर खाते हैं। मिश्रा जी को मन नहीं था बाहर जाने का, पर गुप्ता जी के बोलने पर वह दोनों मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। नकुल, इस जंगल में कोई तो है जो सभी को मार रहा है। हाँ मनीष, जो काम पुलिस वाले ना कर सके वो काम हम दोनों कर दिखाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा नकुल, आज की रात हम इसी जंगल में गुजारेंगे और कातिल को पकड़ लेंगे। मनीष और नकुल को लग रहा है कि कातिल कोई इंसान है, पर उसे कोई अंदाजा ही नहीं है कि वह शैतान है जो उस पर नजर बनाए हुए है। नकुल और मनीष दोनों मिलकर कातिल को जंगल में खोजते हैं, पर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है। नकुल, कातिल तो कहीं दिख नहीं रहा है, पर मुझे पता है कातिल इसी जंगल में छिपा हुआ है। हाँ मनीष, हम पुलिस को साबित कर देंगे कि कातिल जंगल में ही छिपा रहता है। कातिल को खोजते खोजते नकुल और मनीष जंगल के काफी अंदर चला जाता है।
जंगल के काफी अंदर जाते ही दोनों को किसी अनजान की आवाज सुनाई पड़ती है जो स्ट्रेंजर गर्ल की होती है। स्ट्रेंजर गर्ल के डरावनी आवाज सुनकर दोनों को थोड़ा डर लगता है। मनीष, ये कौन इतनी डरावनी तरीके से हंस रहा है? कहीं ये काम किसी भूत प्रेत का तो नहीं? नकुल, ऐसा नहीं है, जरूर ये काम कातिल का है। वह नहीं चाहता है कि हम उसे पकड़ ले, इसलिए हमें यहाँ से भगाने के लिए ऐसा डरावनी तरीके से हंस रहा है। मनीष का बात नकुल मान लेता है, जिसके बाद वह फिर से कातिल को चारों तरफ खोजने लगता है। इधर स्ट्रेंजर गर्ल छिप कर सब कुछ देख रही थी और बार बार डरावनी हंसी से मनीष और नीरज को डराने की कोशिश करती है। ये दोनों तो डरपोक नहीं है, लगता है मुझे अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। स्ट्रेंजर गर्ल दोनों को सबसे पहले डराना चाहती थी और फिर उसके बाद मारना चाहती थी, जो हो ना सका। मनीष और नकुल कातिल को खोज रहा था, तभी उसे आगे कोई लड़की दिखाई पड़ती है जो डरावनी तरीके से हंस रही थी। मनीष, डरावने तरीके से हंसने की आवाज उस लड़की से आ रही है, कहीं वो कोई चुड़ैल तो नहीं? मेरी बात मानो, कातिल को किसी और दिन पकड़ेंगे, अभी यहाँ से चलो। अरे नहीं नकुल, वो कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि मुझे लगता है वो कातिल की कोई साथी है। रुको, मैं अभी ये साबित करता हूँ। मनीष अपने पैकेट से गन निकालता है और उस लड़की को अपना चेहरा दिखाने को बोलता है। मनीष के बोलने पर स्ट्रेंजर गर्ल अपना चेहरा नहीं घुमाती है, जिसके बाद मनीष को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ लड़की, मुझे गुस्सा आ रहा है, यदि तुम अपना चेहरा हमें नहीं दिखाई तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। मनीष के दोबारा बोलने पर भी वो लड़की उसकी बातें नहीं मानती है, बल्कि वह जोर जोर से हंसने लगती है। इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। मनीष गुस्सा में उस लड़की पर अपने गन से हमला कर देता है, लेकिन वो उछलकर अपने आप को बचा लेती है। ये तो बच गई, पर मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, उसे मारे बिना जाऊंगा नहीं। मनीष काफी बार गोली चलाया, पर हर बार की तरह वो स्ट्रेंजर गर्ल अपने आप को बचा लेती है। मनीष, मेरी बात मानो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। हाँ नकुल, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। मनीष और नकुल जल्दी से जंगल से बाहर की तरफ भागते हैं, पर तभी दोनों अपने आगे वही लड़की को देखते हैं जिस पर मनीष ने गोली चलाई थी। ये कैसे संभव है, अभी तो ये लड़की हमारे पीछे थी, फिर अचानक हमारे सामने कैसे आ गई? मनीष, मैंने कहा था ना, ये कोई चुड़ैल है, तभी तो वो हमसे पहले यहाँ आ गई। नकुल, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। मनीष एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वह लड़की के सर पर हमला करने का सोचता है। चुड़ैल की बच्ची, अब मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, जिसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। मनीष के पास गन था, पर उसका गोली खत्म हो गया था, इसलिए वह जोर से स्ट्रेंजर गर्ल पर हमला करता है। गन स्ट्रेंजर गर्ल के सर पर जाकर लगता है, जिसके बाद वो गुस्सा आ जाती है और गुस्से में मनीष और नकुल की तरफ देखती है। स्ट्रेंजर गर्ल का चेहरा देखकर दोनों का हालत खराब हो जाता है। मनीष भाग यहाँ से, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। मनीष और नकुल अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से जंगल के अंदर भागता है, पर स्ट्रेंजर गर्ल अब दोनों को मारने के लिए उसका पीछा कर रही है। नकुल, ये कोई चुड़ैल है। हाँ मनीष, ये तो कोई चुड़ैल ही है। ओह माय गॉड, हम दोनों तो बहुत बुरा फंस गए हैं, क्योंकि मुझे पता है जंगल की चुड़ैल जिसे देख लेती है उसकी मौत निश्चित है। स्ट्रेंजर गर्ल से अपनी जान बचाने के लिए दोनों बहुत तेजी से भाग रहा था, पर स्ट्रेंजर गर्ल भी धीरे धीरे उसके नजदीक आते जा रही थी। ऐसे चुड़ैल के हाथों से हम बच नहीं पाएंगे, हमें अलग होना होगा ताकि स्ट्रेंजर गर्ल कंफ्यूज हो जाए और फिर हम लोग बच जाएंगे। मनीष का बात नकुल समझ जाता है, जिसके बाद दोनों अलग अलग दिशा की ओर भागता है। दोनों के अलग अलग दिशा में भागने पर स्ट्रेंजर गर्ल वहीं रुक जाती है।
इधर मनीष अपने पीछे देखता है तो स्ट्रेंजर गर्ल उसका पीछा नहीं कर रही थी, जिसके बाद उसके जान में जान आती है। बच गया मैं, नहीं तो वो चुड़ैल मेरा हड्डी पसली एक कर देती। चुड़ैल मुझे छोड़ दो स्ट्रेंजर गर्ल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो। मनीष के काफी बोलने पर भी स्ट्रेंजर गर्ल उसकी बात नहीं मानती है और फिर उसे अपने हाथों से मार देती है। मनीष, मनीष तुम कहाँ हो मनीष? नकुल मनीष को खोज रहा होता है पर उसे क्या पता मनीष तो मारा गया है। नकुल अपने दोस्त को खोजते खोजते उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका दोस्त मारा गया था। ये इतनी सारी खून यहाँ पर है, हे भगवान, कहीं स्ट्रेंजर गर्ल ने मनीष को मार तो नहीं दिया। नकुल खून के पास खड़ा था तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई पड़ती है, मानो जैसे कोई कुछ खा रहा हो। नकुल ध्यान से आवाज को सुनता है जो एक बड़ा सा पत्थर के पीछे से आ रहा होता है। आवाज को सुनकर नकुल धीरे धीरे पत्थर के पास जाता है और छिप कर देखता है कि स्ट्रेंजर गर्ल मनीष की लाश को खा रही है। मनीष की लाश को देखकर नकुल का दिल सहम जाता है और वह अब जल्दी से जल्दी वहां से भागने का फैसला करता है। नकुल भागने की कोशिश करता है पर डर के मारे वह नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज स्ट्रेंजर गर्ल को सुनाई पड़ जाती है। स्ट्रेंजर गर्ल आवाज के पास आती है और चारों तरफ देखती है पर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ तो कोई नहीं है पर मैंने तो आवाज सुनी थी। स्ट्रेंजर गर्ल चारों तरफ अच्छा से देखती है और फिर वापस मनीष की लाश को खाने के लिए चली जाती है। बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो मैं भी स्ट्रेंजर गर्ल का खाना बन जाता। नकुल छिप कर अपने सामने देखता है जहाँ उसे स्ट्रेंजर गर्ल दिखाई नहीं देती है। रास्ता साफ है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। नकुल चुपचाप धीरे धीरे उस जगह से निकलने लगता है पर स्ट्रेंजर गर्ल उसे देख लेती है और उस पर हंसने लगती है। स्ट्रेंजर गर्ल के हंसने की आवाज़ सुनकर नकुल तेजी से जंगल के बाहर जाने लगता है। तुम भी नहीं बच पाओगे मेरे हाथों से। स्ट्रेंजर गर्ल उसका पीछा करने लगती है पर नकुल उससे बचने के लिए जल्दी से एक गुफा के अंदर जाकर छिप जाता है। नकुल गुफा से छिप कर देखता है कि स्ट्रेंजर गर्ल गुफा तक आती है पर थोड़ी देर में ही वह वहां से चली जाती है। अब मैं बाहर यहां से नहीं निकलूंगा जब तक सुबह ना हो जाए। नकुल वहीं आराम करने के लिए जगह खोजने लगता है पर तभी उसे गुफा के अंदर से लाइट आता हुआ दिखाई देता है। ये कैसी लाइट आ रही है इधर से, मुझे जाकर देखना चाहिए। नकुल लाइट की तरफ जाता है और चौंक जाता है क्योंकि वहाँ हाईटेक रूम था। ये कैसे संभव है, यहाँ इतनी बेहतरीन कंप्यूटर कैसे आ सकता है। नकुल हाईटेक मशीन को देखकर शॉक था पर तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज आते ही नकुल वहीं कहीं छिप जाता है ताकि पता चल सके कि यह कंप्यूटर को कौन यूज करता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी सड़क पर जा रहे होते हैं जहां उन्हें चारों तरफ पुलिस वैन दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी, आखिर हर चौक पर पुलिस वैन क्यों खड़ी है, क्या आपको कुछ पता है? पता नहीं मिश्रा जी, पर मैं कई दिनों से सुन रहा हूं कि हमारे शहर में हर दिन किसी न किसी की हत्या हो रही है, तो शायद उसी को रोकने के लिए ये सभी पुलिस वाले यहाँ पर हैं। अच्छा ठीक है गुप्ता जी, आप घर जल्दी से चलिए, मुझे स्ट्रेंजर गर्ल से बात भी करनी है। मिश्रा जी के बोलने पर दोनों जल्दी से घर की तरफ जाने लगते हैं। उधर नकुल छिप कर देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन कंप्यूटर को चला रहा है। ओ नो, ये तो स्ट्रेंजर गर्ल है। हे भगवान, मैं तो पूरा फंस गया, अब मेरा बचना नामुमकिन है। नकुल छिप कर देखता है कि स्ट्रेंजर गर्ल उस कंप्यूटर की मदद से किसी मिश्रा जी नाम का लड़का से चैटिंग कर रही है। मिश्रा जी, अब तुम्हारी बारी है मुझसे मिलने की। यूहू, गुप्ता जी, फाइनली मैंने स्ट्रेंजर गर्ल से मिलने का डेट फिक्स कर लिया। वेरी गुड मिश्रा जी, तुम तो फालतू काम करने में सबसे आगे हो। गुप्ता जी, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी टांग खींच रहे हैं? मिश्रा जी, तुमको जो समझना है वो समझ लो, पर अब चलो सोने क्योंकि बहुत रात हो गई है।
गुप्ता जी का बात मिश्रा जी मान लेता है, जिसके बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। मिश्रा जी एक जगह बैठ जाओ, तुम कई घंटों से एक ही जगह पे चक्कर लगा रहे हो। गुप्ता जी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं रात होने का इंतजार कर रहा हूँ। स्ट्रेंजर गर्ल से मिलने के लिए मिश्रा जी इंतजार कर रहा होता है, पर उसे पता नहीं वो स्ट्रेंजर गर्ल भूतनी है। मिश्रा जी का इंतजार सफल हो जाता है, क्योंकि अब रात हो चुकी है और वह अब स्ट्रेंजर गर्ल से मिलने के लिए निकलने वाला है। गुप्ता जी आप भी चलिए ना साथ में। मैं क्यों जाऊं? वो तुम्हारी फ्रेंड है, इसलिए तुम अकेले ही जाओ। अरे नहीं गुप्ता जी, यदि मुझे अचानक आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो मेरी मदद कौन करेगा? मिश्रा जी के काफी बोलने पर भी गुप्ता जी जाने के लिए मानते नहीं है। ठीक है गुप्ता जी, मैं अकेले ही जाता हूँ, आप आराम से यहीं रहिए। मिश्रा जी घर से निकल जाता है और गुप्ता जी टीवी देखने लगते हैं। उधर स्ट्रेंजर गर्ल अपने कंप्यूटर वाले रूम से बाहर जाती है, पर नकुल वहीं सो चुका था। उसे पता भी नहीं है कि स्ट्रेंजर गर्ल वहाँ से जा चुकी है। आज मजा आएगा, बहुत दिनों के बाद मैं पहली बार स्ट्रेंजर गर्ल से मिलूंगा। मिश्रा जी बहुत खुश होता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंजर गर्ल अपना अगला शिकार मिश्रा जी को बनाने वाली है। अरे वाह, स्ट्रेंजर गर्ल तो वहाँ आ चुकी है, मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ। मिश्रा जी स्ट्रेंजर गर्ल के पास जाता, पर उससे पहले ही वह जंगल के अंदर जाने लगती है। अरे ये क्या, स्ट्रेंजर गर्ल तो जंगल के अंदर जाने लगी। स्ट्रेंजर गर्ल रुको, मैं मिश्रा जी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मिश्रा जी के आवाज लगाने पर भी स्ट्रेंजर गर्ल रुकती नहीं है, जिसके बाद मिश्रा जी उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। स्ट्रेंजर गर्ल अचानक कहाँ गायब हो गई? जरूर वो मुझसे छिपने की कोशिश कर रही है। ओ स्ट्रेंजर गर्ल कहाँ हो तुम? स्ट्रेंजर गर्ल कहाँ छिपी हुई हो? मिश्रा जी तो मुझसे मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा है, पर मुझे देखते ही वो यहाँ से भागना शुरू कर देगा। ये इतनी डरावनी तरीके से कौन हंस रहा है? कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं? मिश्रा जी बहुत डर जाता है और वह गुप्ता जी को याद करने लगता है। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, मुझे लगता है मैं कोई मुसीबत में फंसने वाला हूँ। मिश्रा जी डरते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सामने स्ट्रेंजर गर्ल उसे दिखाई पड़ता है। स्ट्रेंजर गर्ल ये तो यहाँ है और मैं तो पूरे जंगल में देख रहा था। स्ट्रेंजर गर्ल को देखकर मिश्रा जी का डर खत्म हो गया है, जिसके बाद वह चुपचाप उसके नजदीक जाने लगता है ताकि वह उसे सरप्राइज दे सके। मिश्रा जी जैसे ही स्ट्रेंजर गर्ल के नजदीक जाता है, तभी स्ट्रेंजर गर्ल मिश्रा जी की तरफ घूम जाती है। मिश्रा जी स्ट्रेंजर गर्ल को सरप्राइज देने वाला था, पर उसे देखकर मिश्रा जी खुद सरप्राइज हो गया है। तुम तो स्ट्रेंजर गर्ल हो ना? हाँ मिश्रा जी। ओ शिट, मैं तो फंस गया, ये मुझे मार डालेगी। भाग मिश्रा जी भाग, जल्दी से भाग। स्ट्रेंजर गर्ल को देखकर मिश्रा जी डर के मारे जंगल की ओर अंदर भागने लगता है। मिश्रा जी तुम कहीं भाग नहीं सकते। मिश्रा जी को मारने के लिए स्ट्रेंजर गर्ल उसका पीछा करने लगती है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मुझे ये सब में नहीं पड़ना चाहिए था। मिश्रा जी आगे आगे भागता है और स्ट्रेंजर गर्ल उसके पीछे होती है। गुप्ता जी आप यहाँ आ जाइए और मुझे बचा लीजिए। मिश्रा जी स्ट्रेंजर गर्ल से बचने के लिए भाग रहा था, पर वो अचानक सामने एक पेड़ से टकरा जाता है। पेड़ से टकराने की वजह से मिश्रा जी वहीं नीचे गिर जाता है। स्ट्रेंजर गर्ल से बचना नामुमकिन है मिश्रा जी। स्ट्रेंजर गर्ल मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज स्ट्रेंजर गर्ल प्लीज। स्ट्रेंजर गर्ल मिश्रा जी का बात नहीं सुनती है और वह उसे मारने के लिए उसके नजदीक जाने लगती है। स्ट्रेंजर गर्ल मुझे छोड़ दो प्लीज। अंतिम समय आ गया है तुम्हारा मिश्रा जी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्ट्रेंजर गर्ल जैसे ही मारने वाली होती है, तभी वह देखती है कि अचानक मिश्रा जी खड़ा हो गया है और उसका डर भी खत्म हो गया है। स्ट्रेंजर गर्ल तुम मुझे क्या मारोगी? उससे पहले तुम उससे मार खाने वाली हो। कौन मुझे मारेगा?
स्ट्रेंजर गर्ल जैसे ही अपने पीछे घूमती है तभी नकुल हैमर से जोरदार हमला करता है। नकुल के वार से स्ट्रेंजर गर्ल नीचे गिर जाती है। स्ट्रेंजर गर्ल के नीचे गिरते ही मिश्रा जी और नकुल वहाँ से भागता है। तुम कौन हो और अचानक मेरी मदद करने के लिए वहाँ कैसे आ गई थी? मिश्रा जी के पूछने पर नकुल सभी बात बताता है। अच्छा, मैं अब समझ गया शहर के लोगों को कौन मार रहा है। पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं और गुप्ता जी मिलकर इस भूतनी को मार डालेंगे। गुप्ता जी, वो कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिश्रा जी है और मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम गुप्ता जी है। अच्छा, पर तुम भूतनी को हल्के में मत लो, वो मेरे दोस्त मनीष को मार के खा गई है और यदि तुम उससे पंगा लिए तो तुम भी मरोगे। नकुल मिश्रा जी को वार्निंग देकर साथ में जंगल से बाहर जाने को बोलता है, पर तभी उनके सामने स्ट्रेंजर गर्ल आ जाती है। ओ नो, ये भूतनी तो यहाँ भी आ गई। मिश्रा जी घबराया हुआ था, पर नकुल के पास हैमर होता है इसलिए वह स्ट्रेंजर गर्ल पर हमला करके उसे भगाने की कोशिश करता है। नकुल का प्रयास असफल हो जाता है क्योंकि स्ट्रेंजर गर्ल अपने हाथ की मदद से उसका हथियार नीचे गिरा देती है। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, पर अब नहीं कर पाओगे। नकुल को मारने के लिए स्ट्रेंजर गर्ल उसके नजदीक आ जाती है और जैसे ही वह उस पर हमला करती, पर उससे पहले कोई स्ट्रेंजर गर्ल पर हमला कर देता है। अब किसने मुझ पर हमला किया? स्ट्रेंजर गर्ल, मैं गुप्ता जी, मैंने ही तुम पर हमला किया और अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। अरे वाह, गुप्ता जी आप यहाँ आ गए। तुम जो भी हो मेरा खेल खत्म नहीं कर सकते, बल्कि मैं तुम सभी का अंत कर दूंगी। स्ट्रेंजर गर्ल गुप्ता जी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी गुप्ता जी बंदूक बाहर निकाल लेते हैं जिसके बाद स्ट्रेंजर गर्ल वहीं रुक जाती है। स्ट्रेंजर गर्ल के रुकते ही मिश्रा जी काफी खुश हो जाता है। क्या नकुल, तुमने कहा था इस भूतनी को हल्के में ना लो, अब तुम ही देख लो, ये बेचारी अब कुछ नहीं कर सकती है। मिश्रा जी और नकुल, तुम दोनों यहाँ से निकलो। गुप्ता जी के बोलने पर दोनों वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी स्ट्रेंजर गर्ल तेजी से गुप्ता जी पर हमला कर देती है। गुप्ता जी! स्ट्रेंजर गर्ल के वार से गुप्ता जी के हाथ से गन दूर गिर जाता है। मुझे मारना चाह रही थी, पर अब खुद मरने वाली हूँ। स्ट्रेंजर गर्ल, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अकेला आया हूँ? जरा अपने चारों तरफ मुड़ के तो देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। गुप्ता जी के बोलने पर स्ट्रेंजर गर्ल के साथ साथ मिश्रा जी और नकुल भी देखता है जहाँ उन्हें चारों तरफ पुलिस फोर्स दिखाई पड़ती है। अरे वाह गुप्ता जी, आप तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हैं, पर आपको कैसे पता था कि मैं मुसीबत में हूँ? मिश्रा जी, तुम्हारे जाने के बाद मुझे टीवी पर पता चलता है कि कोई लड़की स्ट्रेंजर गर्ल बनकर लोगों से बातें करती है और अंत में उसे बुलाकर मार देती है। अच्छा? हाँ, जिसके बाद मैं तुरंत इंस्पेक्टर के पास गया जिसकी मदद से मैं यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे लोग अब यहाँ से निकलो क्योंकि आगे का काम हम लोग कर लेंगे। इंस्पेक्टर के बोलने पर सभी लोग वहाँ से निकलकर घर की तरफ जाने लगते हैं। स्ट्रेंजर गर्ल, तुमने कई लोगों को मार दिया, पर अब हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इंस्पेक्टर अपने सभी साथी को इशारा करता है जिसके बाद वे सभी एक साथ स्ट्रेंजर गर्ल पर गन से हमला करते हैं, पर स्ट्रेंजर गर्ल अपने आप को बचाने के लिए वहाँ तेजी से गोल गोल घूमने लगती है। तेजी से गोल गोल घूमकर स्ट्रेंजर गर्ल पुलिस की गोली से अपने आप को बचा लेती है। सभी पुलिस वालों का बुलेट खत्म हो जाता है, पर स्ट्रेंजर गर्ल का बाल भी बाका नहीं हुआ। गोली खत्म होते ही स्ट्रेंजर गर्ल गोल गोल घूमना बंद कर देती है और उन सभी को देखकर हंसने लगती है। मुझे मारने चली थी, पर अब तुम सभी अपनी जान बचाओ। स्ट्रेंजर गर्ल एक एक करके सभी पुलिस वालों को मारने लगती है। कुछ ही समय में अपने खूंखार हाथ से स्ट्रेंजर गर्ल सभी पुलिस वालों को मार देती है। इन सभी पुलिस वालों को तो मैंने सही जगह पहुंचा दिया, पर अब गुप्ता जी और मिश्रा जी की बारी है। नकुल, अब तुम अपने घर जाओ, मैं और मिश्रा जी इधर से निकल जाएंगे। गुप्ता जी के बोलते ही नकुल अपने घर की तरफ निकल जाता है जिसके बाद वह दोनों भी अपने घर की ओर जाने लगते हैं।
गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें नकुल के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए। नकुल की आवाज पीछे से आ रही थी, इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे मुड़ते हैं, जहां उन्हें नकुल तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए। अरे नकुल तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझे वो मार देगी मिश्रा जी। कौन तुम्हें मार देगी? तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। गुप्ता जी वहाँ देखिए, स्ट्रेंजर गर्ल तो वापस आ गई है। ये कैसे बच गई? यदि कहीं पुलिस वाले मिलकर इसे रोक नहीं सके तो हम इसे कैसे रोक पाएंगे? मिश्रा जी और नकुल भागो जल्दी से बाबा के आश्रम। गुप्ता जी के बोलते ही सभी आश्रम की तरफ भागते हैं। कहाँ भागे जा रहा है गुप्ता जी, मिश्रा जी और नकुल? मैं तुम सभी को छोड़ूंगी नहीं। तीनों को मारने के लिए स्ट्रेंजर गर्ल तेजी से उन तीनों का पीछा करने लगती है। गुप्ता जी स्ट्रेंजर गर्ल बहुत तेज है, वो हमारे नजदीक आते जा रही है। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, मैं उसे रोकता हूँ, तुम दोनों जल्दी से आश्रम पहुँचो। नहीं गुप्ता जी, आप अकेले बिना हथियार के स्ट्रेंजर गर्ल से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? मिश्रा जी अभी बहस करने का समय नहीं है, तुम बस जल्दी से आश्रम पहुँचो, तब तक मैं स्ट्रेंजर गर्ल को यहीं रोकता हूँ। मिश्रा जी और नकुल का जान बचाने के लिए गुप्ता जी वहीं रुक जाते हैं। गुप्ता जी के रुकते ही स्ट्रेंजर गर्ल भी वहीं रुक जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गुप्ता जी तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे रोक लोगे? नहीं गुप्ता जी नहीं, मैं तुम्हें मारने के बाद उन दोनों को भी मार दूंगी। स्ट्रेंजर गर्ल गुप्ता जी को मारने के लिए तेजी से उसके पास आ जाती है और उस पर वार करती है, पर गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। स्ट्रेंजर गर्ल तुम्हारे जैसा कई शैतानों से मेरा मुकाबला हो चुका है, जिसका सपना आज भी अधूरा ही रह गया है। अच्छा, पर गुप्ता जी मेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा, तुम मरोगे, मेरे हाथों से तुम मरोगे। स्ट्रेंजर गर्ल तेजी से गोल गोल घूमकर गुप्ता जी पर हमला करती है। स्ट्रेंजर गर्ल का वार से गुप्ता जी को बहुत तेज चोट लगता है। मैं बिना हथियार की इससे ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे हथियार की जरूरत है। गुप्ता जी अपने अगल बगल देखते हैं, जहां उन्हें एक लोहे का रॉड दिखाई पड़ता है। मुझे किसी तरह उस रॉड के पास जाना होगा, तब जाकर मैं अपने आप को इससे बचा पाऊंगा। गुप्ता जी तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगी। स्ट्रेंजर गर्ल अपने खूंखार हाथ से गुप्ता जी के शरीर पर वार करती है। स्ट्रेंजर गर्ल का वार से गुप्ता जी घायल हो जाते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, दर्द से तड़प रहे हो ना? स्ट्रेंजर गर्ल तुम्हारी हर एक वार का बदला मैं तुमसे लूंगा। तुम मुझसे बदला लोगे? पहले अपनी जान तो बचा लो। गुप्ता जी को जान से मारने के लिए स्ट्रेंजर गर्ल जैसे ही हमला करती है, तभी गुप्ता जी चालाकी से अपने आप को बचाकर लोहे का रॉड के पास चले जाते हैं। स्ट्रेंजर गर्ल तुम बहुत फुदक रही हो ना, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गुप्ता जी का बात सुनकर स्ट्रेंजर गर्ल को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह गुप्ता जी पर जैसे ही हमला करने वाली होती है, पर तभी गुप्ता जी नीचे से रॉड उठाकर उस पर वार कर देते हैं। गुप्ता जी का जोरदार वार से स्ट्रेंजर गर्ल हक्का बक्का हो जाती है। क्या हुआ स्ट्रेंजर गर्ल, कैसा लगा शॉट? स्ट्रेंजर गर्ल का वार फिर से असफल हो जाता है, जिसके बाद वो अपने आप पर बहुत गुस्सा करती है। मैं फिर असफल हो गई, पर इस बार सफल होकर रहूंगी। गुप्ता जी को जान से मारने के लिए स्ट्रेंजर गर्ल वहीं गोल गोल घूमने लगती है। ओ शिट, ये तो गोल गोल घूमकर मुझ पर हमला करने वाली है। गुप्ता जी समझ गए थे कि इस पावर के सामने वह टिक नहीं सकता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए गुप्ता जी वहाँ से भागते हैं। गुप्ता जी वहाँ से भाग रहे होते हैं और स्ट्रेंजर गर्ल पीछा कर रही है। स्ट्रेंजर गर्ल गुप्ता जी को मारने के लिए नजदीक पहुँची ही थी, तभी बाबा वहाँ आ जाते हैं और उस पर एक जोरदार पंच लगाते हैं। बाबा अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मैं मारा ही जाता। गुप्ता जी अब घबराओ नहीं, मैं इसे संभालता हूँ। स्ट्रेंजर गर्ल को चोट लगने के बाद भी वह मानती नहीं है, इसलिए जैसे ही वह हमला करने के लिए वापस से उठती है, पर तभी बाबा उसे जोर का झटका देते हैं।
बाबा का वार से स्ट्रेंजर गर्ल वहीं मारी जाती है। यूहू, बाबा अपने हमें बचा लिया, ये भूतनी हमें जान से मारने वाली थी। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर गर्ल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, कमेंट कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।